नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड में अनलॉक 3 की घोषणा कर दी गई, आज सीएम सोरेन ने इसकी घोषणा की। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और अन्य पदाधिकारी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। आगामी 24 जून की सुबह 6 बजे तक कब स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह को बढ़ाया गया और झारखंड में मौजूद अनलॉक 2 17 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा था, अब राज्य में इसको आगे बढ़ाया गया, 24 जून तक के लिए बढ़ाया गया। राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन लेकिन अभी जारी रहेगा, तो अनलॉक 3, लेकिन देखिए छूट तो बेशक मिली है। तो चलिए, राकेश सिन्हा कांग्रेस से, प्रदीप सिन्हा बीजेपी से आज के दिन लाइव में बैठे हुए हैं। स्वागत है राकेश जी, प्रदीप जी आपका वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले आऊंगा प्रदीप जी आपके पास, अभी तक जो अनलॉक की प्रक्रिया की जा रही है, कितना सफल आपको दिखाई दे रहा है, कहां पर आपको कमियां दिखाई दे रही हैं, ये सवाल पहले आपसे इसीलिए ताकि आप बताएं कहां पर खामियां आपको दिखी हैं। प्रदीप जी, देखिए कमी की बात नहीं करना चाहूंगा ज्यादा, इसलिए कि सभी राजनीतिक दलों का सहयोग करना इस संकट की कड़ी। लेकिन एक बात जरूर रेखांकित करना चाहूंगा कि जो वीकेंड में लॉकडाउन है, शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सवेरे 6 बजे तक, मैं समझता हूँ कि ये शक्ति उस समय बरती जानी चाहिए था जब कोरोना पीक पर था जी। और कांग्रेस सहित भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों ने भी मांग की थी, जब राज्य में लॉकडाउन लगाया भी नहीं गया था, कई संगठनों ने अपने स्तर से अपनी पाबंदियां शुरू कर दी थी, उस वक्त जब मांग रखी गई सरकार के सामने, सख्ती करनी चाहिए थी उस समय। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि सरकार देर से आई है, दुरुस्त आई है, लेकिन ये वीकेंड का जो कर्फ्यू है वो समझ में नहीं आ रहा है कि जब सारी चीजें बाकी 5 दिन सामान्य ढंग से चलेंगी, तो शनिवार शाम से लेकर रविवार और सोमवार के सवेरे तक आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो जाती है कि घरों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार को थोड़ी बहुत इस चीज पर भी चिंता करने की आवश्यकता है कि 5 दिन में तो काम निपटाए जा सकते हैं, आपने जो दिशा निर्देश दिए हैं लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन किसी कहीं कहीं रविवार को ही मूवमेंट होता है और रविवार होने के कारण आपने जो पाबंदियां लगाई कि बिल्कुल निकल नहीं सकते, तो मैं समझता हूँ सरकार को थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इस चीज पर विचार करना होगा कि कई लोग सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं। क्या जो जिक्र किया है राकेश जी, प्रदीप जी ने, कि रविवार के दिन जो आपने फुल लॉकडाउन लगाया, लोग अगर घरों से निकल नहीं पाएंगे तो लोगों को बहुत अधिक परेशानियां होंगी, परेशानियां हुई भी हैं लोगों को, लेकिन अगर हालात अगर बेहतर हैं तो फिर क्या रविवार को थोड़ी बहुत छूट नहीं दी जा सकती थी? नहीं, देखिए सागर जी, सबसे बड़ी बात है कि हम आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की जनता की सजगता के लिए हम झारखंड की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इस भयानक त्रासदी को भी अपनी सजगता के कारण जो है खत्म करने का प्रयास किया। और रही बात अनलॉक की, तो अब देखिए धीरे धीरे रिकवरी रेट भी जो है बढ़ रहा है, कोरोना की जो परिस्थितियां थी उसमें भी कमी आई है, तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि झारखंड की जनता और जीवन और जीविका ये दोनों एक दूसरे के अनुनासिक संबंध है, तो जितना जरूरी जीवन है उतना ही जरूरी जीविका है, तो स्वाभाविक तौर पे हम यह कह सकते हैं कि इसके लिए छूटें दी गई है। लेकिन जहां तक संडे की बात है, तो देखें कि ऐसे भी वीकेंड जो है रविवार को पूरी तरह बंद रहता है, जनरली लोग भी जो है संडे को रिलैक्स के मूड में रहते हैं, ये सिर्फ कोरोना काल नहीं, इसके पहले इतवार को लोग रिलैक्स के मूड में रहते हैं, अपना 4 दिन 5 दिन 6 दिन काम किया तो लोग संडे को, जनरली संडे को भी आवागमन आप देखें तो सड़कों पे बहुत ही कम रहता है और अन्य दिनों की अपेक्षाएं सड़कों पर उसका दबाव भी बहुत कम रहता है, तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत ज्यादा स्थिति की नहीं है, लोग सजग हैं। और लोग देखिए, मैं ये फिर आपको कहूंगा, मैं बधाई दूंगा कि सरकार के द्वारा 4 बजे तक का जो घोषणा किया गया है, तो पब्लिक जो है, जनता जो है, वो स्वतः अपनी दुकानें 4 बजे के बाद बंद कर दे रहे हैं,
तो ये जो सजगता है जनता में कि कोरोना को हमें मात करना है, तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है और इसके लिए राज्य की जनता बधाई के पात्र। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी, जो हमने लॉकडाउन के दौरान पिछली बार तस्वीरें देखी थी जब कोरोना की पहली लहर थी, तो उस दौरान जब लॉकडाउन खुले तो लोगों ने खुलकर अपनी परेशानियों को बयां किया, चाहे वो कोचिंग संस्थान के लोग हों या फिर पेरेंट्स हों या फिर शिक्षण संस्थानों से जुड़े अध्यापक हों। कई किसान लोगों ने भी जिक्र किया कि हमें बहुत परेशानियां हुई, शुरुआत में सरकार को रोडमैप तैयार करना चाहिए था। क्या इस बार आपको खामियां कहीं पर नजर नहीं आई प्रदीप जी? देखिए, अभी अनलॉक 2 हो चुका है, 17 तारीख को अनलॉक 2 की अवधि पूरी हो जाएगी। आज भी शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे, जिम नहीं खुलेंगे, कॉलेज नहीं खुलेंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे, तो सारी चीजें आज भी बंद है। तो कहीं ना कहीं वो जो परेशानियां पिछले वर्ष थी इस समय भी दोहराई जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जब बसों का परिचालन नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो कोचिंग संस्थान चलाए जाते हैं वहां छात्र पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस लेने वाले टीचर्स घर में बैठे हुए हैं, तो समस्याएं तो अनेक हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए और सारी चीजों पर समग्रता से विचार करने की जरूरत, इसलिए कि पिछले लॉकडाउन का अनुभव हमारे पास है, डेटा हमारे पास है, तो बेहतर अगर एनालिसिस हो जाए तो मैं समझता हूँ कि एक समाधान के रास्ते पर हम आ सकते हैं। और सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि बाकी चीजों को आप धीरे धीरे खोल रहे हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे, तो वहां पर पर्याप्त जगह होती है, अगर उनको भी जैसे 50% स्ट्रेंथ के साथ ऑफिसेस चलाई जा रही है, उसी तरह से निर्देश दिया जाए कि और डिबेट के आधार पर आप क्लासेस चले। तो चूंकि एग्जाम, दो एग्जाम स्थगित हो गए 10th और 12th के, अब आने वाले समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम सर पे है, छात्रों की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। ठीक है राकेश जी, बताइए, अगर सब्जी मंडी अगर खुल सकती है, अगर लोग बाजारों में भीड़ अगर लगा सकते हैं, तो फिर कोचिंग संस्थान सर क्यों नहीं 10 की क्षमता से, 15 की क्षमता से और आधी कैपेसिटी के मुताबिक जैसे रेस्टोरेंट में किया जा रहा है अन्य राज्यों में, यहाँ पर भी अनलॉक में देखा जाएगा, तो सर ऐसा नहीं किया जा सकता है कुछ? नहीं देखिए, और आपको याद होगा कि इसके पूर्व भी सरकार इस पे पहल की थी, सरकार ने जनता से इस पे जवाब भी मांगा था, जनता से अपनी राय भी मांगी गई थी इस इशू पर, तो सरकार ने एक पहल भी शुरुआत में की थी बहुत ये इसका कोरोना काल के पहले, कि हम एक क्लास तक के बच्चों का स्कूल जो है वो सस्पेंड करते हैं, 9th क्लास से 10th 11th का जो है वो उसको खोले, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का आप अखबार मीडिया में भी देख लें कि इस तरह का राय आया है, बहुत सारे अभिभावकों का भी राय आया कि नहीं अभी जो है अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए अभी शिक्षण संस्थान को खोलने से रोका जाए। तो अब मैं कहा कि देखिए, अब धीरे धीरे राज्य की जनता पूरी सजगता के साथ कोरोना से लड़ रही है, तो स्वाभाविक तौर पे अब अनलॉक 3rd में जो है मल्टीप्लेक्स और मॉल खोलने का आदेश हुआ है, तो अब धीरे धीरे जब हम रिकवरी तक की स्थिति में और बेहतर करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी निगाहें, सरकार की भी निगाहें छात्रों के भविष्य के ऊपर है, तो हम इस पर भी आगे ध्यान देंगे। देखिए, हमारी है कि हम छात्रों के भविष्य को संभालना जितना महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण ये भी है कि छात्रों का जीवन जो है वो सुरक्षित रहे, तो इसलिए सरकार जो है इस पर भी अमल करेगी, लेकिन धीरे धीरे अभी अचानक आप देखें कि आप सब कुछ अगर अचानक आप अगर खोल देंगे तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी, स्थिति फिर अगर अनकंट्रोल हो जाता है तो फिर वो दोष जो है सरकार के ऊपर गिरता है। तो हम पूरी सजगता के साथ, हम पूरे राय विचार से पूरे करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि जीवन और जीविका, छात्रों का भविष्य सब जो है वो सलामत रहे और हम कोरोना से भी लड़ पाए। ठीक है प्रदीप जी, विपक्ष की भूमिका निभाने के नाते मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर 3rd वेव ने कर अचानक अगर दस्तक दे दी, तो उस लिहाज से सरकार को कितना तैयार रहना चाहिए, और अभी जो तैयारियां चल रही हैं क्या वो आपको काफी लगती हैं या ना काफी लग रही हैं, और क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए, तैयारियों के संदर्भ में खासकर जो तीसरे चक्र की बात की जा रही है, कई ओपिनियन ऐसे भी हैं जो विरोधाभास जी
कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कोरोना संक्रमण के तीसरे जो वेरिएशन होगा उससे बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन एम्स दिल्ली के डायरेक्टर कहते हैं कि ऐसी कोई डेटा नहीं है जिसके आधार पर हम इस आकलन पर पहुंच सके कि बच्चे ही प्रभावित होंगे। अब जहां तक प्रश्न है कि तीसरे लहर की तैयारी के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चूंकि ये लड़ाई सबकी है तो हर राज्य सरकार को जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशा निर्देश है उसके तहत तैयारी पुख्ता करनी चाहिए, और खासकर चूंकि ये बच्चों से जुड़ा मामला है और माता पिता सीधे प्रभावित होंगे, और जब किसी का नौनिहाल अगर गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाए तो उस घर की हालत आप समझ सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में सरकार को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और पूरी तैयारी के साथ सामने आना होगा, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं, और बच्चों के अगर हम भविष्य को नहीं बचा सके तो आप समझ सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी भी हो तो कहीं ना कहीं भी प्रश्न हम पर खड़े होंगे। इसलिए आश्वस्त करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्रालय की ओर से भी कि राज्य सरकार जो दिशा निर्देश मिल रही उस पर पूर्णता पालन करे, राजनीति ना हो, और बच्चों के भविष्य के साथ हम एक अच्छा वातावरण बनाए ताकि आने वाले समय में एक उदाहरण भी पेश कर सके। राकेश जी बताइए, थर्ड अनलॉक की प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन सामने अगर थर्ड वेव भी देखिए आ खड़ा है, दस्तक अगर दे दिया थर्ड वेव ने वो भी खतरनाक और रौद्र रूप में जैसा हमने दूसरी लहर में देखा, तो उसके लिए सरकार कितनी मुस्तैद है, क्या तैयारियां अभी तक कर ली गई? नहीं देखिए, बिल्कुल सरकार इसके लिए पूरी तरह संवेदनशील है, और हमने ये जो द्वितीय फेज है इससे हमने सीखने का भी काम किया है। ये द्वितीय फेज जिस प्रकार अचानक दस्तक दिया तो स्वाभाविक तौर पे हम पूरी संवेदनशीलता के साथ उससे सीखे भी हैं, उससे सबक भी लिए, तो हम राज्य सरकार यह पूरी तरह तैयार है कि हम जो है पूरी तरह तृतीय फेज अगर आता है, तीसरा फेज अगर कोरोना का आता है तो उससे हम लड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जो है खड़े हैं, और हमारी तैयारी है, और हम राज्य की जनता को या विश्वस्त भी करना चाहते हैं, आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि जो द्वितीय फेज में जो अचानक सरकार केंद्रीय सरकार के द्वारा जो, देखिए मैं ये राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन जो घटना घटी उससे भी हमने सबक लिया, और राज्य में जो घटना घटी उससे भी हमने सबक लिया, तो हम पूरी तरह साफ नियत और साफ नीति के साथ तृतीय फेज से लड़ने को पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ हम तैयार। लेकिन राकेश जी मैं ये जानना चाहूंगा, जो पूरी गाइडलाइंस आज के दिन जारी की गई है, लगभग 15 से 20 पॉइंट हैं जो बैठक में निर्णय लिए गए, क्या सारे निर्णय ऐसा लग रहा है कि बेहतर हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान को लेकर हों या धार्मिक स्थल को लेकर हों या अन्य राज्यों से आने पर होम क्वारंटीन को लेकर हो या फिर कार्रवाई को लेकर हो? प्रदीप जी, देखिए जहां तक प्रश्न है कि राज्य सरकार ने जो फैसले किए हैं मैं समझता हूँ कि सोच समझ ही किया होगा जे। लेकिन हर निर्णय में कहीं ना कहीं चर्चा की गुंजाइश बच जाती है, और राज्य सरकार अच्छा करे, हम तो ये चाहेंगे कि राज्य में कोरोना संक्रमण का दर नीचे आए, और निश्चित रूप से जैसी प्रगति अभी तक है संतोषजनक हालात है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सरकार कि दूसरे लहर के दौरान जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल था कमोबेश इस बार मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन चूंकि सरप्लस है वो स्थिति नहीं आएगी कि ऑक्सीजन के लिए किसी को भटकना पड़े, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिस तरह से मनमानी सामने आई तो सरकार को समय रहते दर निर्धारण अगर वो कर दे तो मैं समझता हूँ कि आम जनता लुटने से बचेगी। एम्बुलेंस ड्राइवर्स की मनमानी जिस तरह से सामने आई कि मात्र 5-10 किलोमीटर जाने के लिए लोगों ने 15,000-20,000 रुपए पीड़ित परिवार से वसूले, तो ये अमानवीय चेहरा था, तो सरकार को समय रहते इन चीजों की तैयारी करके रखनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तीसरे लहर तो हम वो सारी तैयारियां रखें कि आने वाले समय में कोई किसी को परेशान ना कर सके, दवा विक्रेता भी सचेत रहे कि अगर कोई कालाबाजारी करेगा दवाओं की, जीवन रक्षक दवाओं की कोई जमाखोरी करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, इस तरह का संदेश बिल्कुल सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए। जी बताइए राकेश जी, ये मैं जानना चाहूँगा, हमने देखा कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन के लिए लोगों का तड़पना, वेंटिलेटर का उपलब्ध ना होना, जो पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीदे गए वो भी वेंटिलेटर कई जगहों पर धूल फांकते हुए दिखाई दिए,
और तो और इसके साथ ही ऑक्सीजन के लिए जब लोग तड़प रहे थे, जब लोगों को एम्बुलेंस करने की जरूरत थी, तो मन मुताबिक पैसे मांगे गए लोगों से, लोगों ने दिया भी क्योंकि वो मजबूरी है उनकी आगे, लोगों अपनों की जान भी तो बचानी है, तो ऐसे हालात ना उत्पन्न हो इसके लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, मैंने कहा कि जो पिछले दस्तक में जो हमने सबक लिया है, आप देखें कि ऑक्सीजन सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश की स्थिति, जो देखिए फिर अगर इस पर अगर बात होगी, चर्चा अगर होगी, तो वो बहुत दूर तक जाएगी और मैं उस पर राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी का जो परिस्थिति है, जिस मुद्दे पे हम बात करने के लिए बैठे हैं, वो मुद्दा कोई राजनीति मुद्दा नहीं, वो मुद्दा देश के भविष्य का मुद्दा है, देश की जनता का मुद्दा जी। तो स्वाभाविक तौर पे हम पूरी तरह गंभीरता के साथ हैं और हम इससे सबक लिया है, हमने पहले भी कहा कि हम इससे सबक लिए हैं और इस सबक से हमने सीखा, और हम राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि हम कहीं किसी के ऊपर आश्रित ना रहे, हम खुद से जो है अपने राज्य की जनता को अगर किसी प्रकार का परेशानी होती है तो हम उनको उस वो सुविधा जो है हम उपलब्ध करा पाए। सागर जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मुझे किसी दूसरे चैनल पर जाना जी, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया। ठीक है, चलिए, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका बातचीत के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश जी, अगर मेले पर, प्रदर्शनी पर अगर हम रोक अभी लगा रहे हैं, अच्छी देखिए पहले, क्योंकि हमने देखा था रिकवरी रेट में जिस तरह से पहली लहर के बाद झारखंड में हमने ब्रेक लगाई, हमने किस तरह से कोरोना पर विजय हमने प्राप्त की थी, मामले बिल्कुल घट गए थे लेकिन अचानक मामले बढ़े, उन तस्वीरों से क्या इस बार सबक लिया जाएगा जो अचानक मामले झारखंड में पिक पर आए थे पूरी तरह से समाप्त होने के बाद, तीसरी लहर में उस तरह के मामले ना बढ़े, क्या उन्हीं सबों का नतीजा है कि इस बार अभी तक पाबंदियां हैं अन्य राज्यों से आने पर, चाहे बसों की हम बात करें या प्रदर्शनी या मेले की? राकेश जी, सागर जी, मैं इसके बार बार कह रहा था कि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्रथम कोरोना काल को आप याद करें, जब देश में कोरोना का दस्तक हुआ था, उस वक्त किस प्रकार प्रवासी मजदूरों का के साथ जिस प्रकार का काम हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, मैं फिर इस बात को इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता इस मुद्दे पे, लेकिन जो केंद्र सरकार की असक्षमता, उनकी गलत नीतियों के कारण जो प्रवासी मजदूर का जो हाल हुआ कि वो बच्चे के अपने जिगर के टुकड़े का सब लेकर के अपने कंधों पर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो जी, वो परिस्थितियां बिल्कुल इस देश की एक भयावह परिस्थिति थी कि अगर आप उस परिस्थिति का या उसका अगर चित्र भी आप अगर देख लो तो मैं समझता हूं कि पूरे शरीर का रंगोटा खड़ा हो जाता है। तो ये असक्षमता, ये गलत नीति निर्धारण के कारण जो आज देश या संकट से गुजर रहा है कोरोना जैसी त्रासदी से, आप देखें सागर जी की कैसे पीएम फंड से जो वेंटिलेटर राज्यों को दी गई, ये सिर्फ मैं यह बात नहीं कर रहा बल्कि हर एक प्रत्येक राज्य यह बात कर रहा है कि वो वेंटिलेटर पूरी तरह जो है काम करने की स्थिति में नहीं जी, या वो पूरी तरह काम नहीं किया। तो आप कह सकते हैं कि देखिए, आपदा को अवसर मत बनाओ, आपदा को कमाई का जरिया मत बनाओ, आपदा को आप झूठ से अलग रखो, आपदा को आप फरेब से अलग रखो, क्योंकि यह देश में आपदा है और जब हिंदुस्तान अगर मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे, देश की सत्ता मजबूत होगी, देश का विपक्ष मजबूत होगा जी। लेकिन तो कहीं ना कहीं जी, लेकिन जो वेंटिलेटर देखिए चलाए नहीं गए पीएम केयर फंड से, जो वेंटिलेटर दिए गए, हमने बिहार में भी देखा, झारखंड में भी अभी पीएम देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन कहीं का नहीं हो पाया, तो इसे कैसे दूर करेंगे? क्या जो टेक्नीशियन जो चलाने आने वाले थे, क्या वो आ ही नहीं पाए या फिर है ही नहीं है देश में कोई चलाने वाला? मैं सागर जी वही बात कहा कि आप देखो क्या है कि जो सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा एक कॉलम पूरा किया गया, क्योंकि विपक्ष, सारा विपक्ष यह मांग कर रहा था सोशल मीडिया पे
आपके चैनल पर भी हम लोगों ने कितना बार मांग किया कि प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब दो, जो पैसा आपने उसमें डलवाया है उसका हिसाब। तो ये इससे बचने के लिए, देखिए मैं कोई एडिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि मैं इस पर राजनीति करने नहीं बैठा, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई से देश की जनता को अवगत कराना भी हमारा दायित्व बनता है जी। तो उसका जब हिसाब देश की जनता उस पैसे का मांग रही थी तो क्या हुआ, आनंद फानन में किसी एक कंपनी को पीएम केयर फंड से जो है वेंटिलेटर सप्लाई करने का ऑर्डर कर दिया गया। अब वो वेंटिलेटर का पहिया टूटा है, वो वेंटिलेटर में ऑक्सीजन नहीं है, वो वेंटिलेटर में क्या क्या नहीं है, इसका कोई जो है उसको ना तो टेस्ट किया गया जब स्टेट को सप्लाई हो रहा था। तो स्वाभाविक तौर पे लोग जैसा चाह वैसा वेंटिलेटर जो है स्टेट को दे दिया। अब यहाँ ये स्थिति हुई कि जब स्टेट में आया वो वेंटिलेटर तो यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि ये वेंटिलेटर तो काम ही नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं कहा कि आपदा को अवसर मत बनाइए, केंद्र में बैठी सरकार आपदा को अवसर बना रही है, ये सबसे दुखद बात है, ये सबसे दुखद बात है कि आप आपदा को अवसर मत बनाओ। आप कोई व्यापारी नहीं, आप इस देश का सत्ता चला रहे हो, तो जिस प्रकार आप मजबूती के साथ यह कहते हो कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो उसी 56 इंच के सीने से का कुछ तो काम करो। आप देखें कि किस प्रकार कोरोना का त्रासदी हुआ, लोगों को सब जलाने का जगह नहीं मिला था कि, ये तो आप ही के चैनल में हम लोग वो विभत्स रूप देखा है, और उस विभत्स रूप की चर्चा करने में भी जो है वो शर्म आती है। लेकिन अगर ये इस विभत्स रूप की चर्चा करो तो अगर भाजपा के लोग होंगे तो वो आपका उपहास उड़ा देंगे, क्योंकि आप देश के हित में अगर बात करने जाते हो तो भाजपा के लोगों का उपहास आपको बनना पड़ता। तो हम लोग तो तैयार है कि आपको जितनी शक्ति है आप हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का उपहास उड़ाओ, लेकिन हम जनमानस के लिए, हम जनता के लिए, हम जनतंत्र की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। हम लाख आप मेरा उपहास उड़ा लो, लाख आप मुझे गाली दे दो, लेकिन हम जनतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे और जनता के लिए लड़ते। ठीक है, लेकिन देखिए अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान जो निष्ठा ऐप आया जिससे ट्रैकिंग की जाएगी, मुफ्त में परामर्श मिलेगा, ये निष्ठा ऐप काम कैसे करेगा? सागर जी एक बार प्रश्न को कृपया दोबारा रिपीट करें। राकेश जी, कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए निष्ठा ऐप भी अब देखिए लॉन्च किया गया, ऐसे लोगों की ट्रैकिंग की जाएगी, लोगों को परामर्श अब मिलेगा, इस अनलॉक के दौरान बेहतर पहल उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ, लेकिन निष्ठा ऐप काम कैसे करेगा, क्या करना है लोगों को एक बार बताइए। नहीं देखिए उसका अभी एक्चुअली ब्लूप्रिंट हमारे पास आया नहीं है, कल तक वो आ जाएगा कि उस पे क्या आदेश हुआ है, हमने पढ़ा नहीं है उसको। तो अगर हम पढ़े नहीं है इस इशू को तो हम इस पे कुछ भी बताने के लिए भी असमर्थ हैं, लेकिन कल तक हमें लगता है कि वो कागज हमें मिल जाएगा और हम उसको देखेंगे, देखने के बाद उस पर क्या क्या है वो हम अच्छा से टेस्ट करके फिर हम इस पर आपको बता सकते हैं। लेकिन क्या है कि देखिए सरकार ने एक फैसला और लेने जा रही है, मैं आपको ये बता दूं सागर जी, झारखंड में कि पहले ये होता था कि अगर आपको ब्लड की जरूरत है तो आपको डोनर खोजना पड़ता था जी। लेकिन अब हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार इस पर पहल करने जा रही है और बहुत जल्द ब्लड लेने के लिए किसी डोनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको ब्लड का जरूरत है तो आप जाकर के किसी भी ब्लड बैंक से बिना डोनर आप ब्लड ले सकते हो। तो देखिए अब धीरे धीरे हर वस्तु स्थिति से लड़ने के लिए और जो जनतंत्र में जनता की जो सुख सुविधा को देने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और धीरे धीरे इसने जो है हम उन सारे दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह ईमानदारी के साथ करते जा रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। ठीक है राकेश जी, आखिरी सवाल वैक्सीन को लेकर मैं पूछना चाहूंगा, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या है, कितनी तेजी से मिलाई जा रही है, आगे क्या रणनीतियां बनाई जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बिल्कुल अब गांव तक में भी वो रफ्तार को अंजाम देने में राज्य सरकार कमोबेश जो है सफल पाई है,
लेकिन क्या है कि थोड़ी गांव का जो आप एकदम इंटीरियर इलाका चले जाओगे, झारखंड का हो या झारखंड का खास करके मैं आप यह बात कर रहा हूं, तो वहां थोड़ा वैक्सीनेशन को लेकर के जनता के बीच भी जो है वो अफवाह की स्थिति है। लोग वैक्सीन लेने से गांव में भी अभी भाग रहे हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन जब शुरू लॉन्च हुआ था उस वक्त अगर देश के प्राइम मिनिस्टर पहला ही वैक्सीनेशन ले लेते, जैसे रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहला वैक्सीन लेकर के अपने परिवार के लोगों को दिलवा के वहां के देश की जनता को या पहुंचाने का काम किया कि यह वैक्सीनेशन सही है, तो अगर प्रधानमंत्री शुरू में ही वैक्सीनेशन लेके लॉन्च करते, गृह मंत्री लेके लॉन्च करते, उसका जो प्रचार होता तो स्वाभाविक तौर पे जनमानस पे इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता। बिल्कुल, लेकिन वैक्सीनेशन में भी तेजी लाने की जरूरी है कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वैक्सीन है अब संजीवनी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी बातचीत के लिए, वीआईपी न्यूज में चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से आज के दिन हमने जिक्र किया झारखंड में अनलॉक 3.0, रियायतें तो मिल रही हैं, छूट तो मिल रही हैं, लेकिन छूट का आप नाजायज फायदा ना उठाएं। सीएम सोरेन ने कहा है कि पाबंदियां भी कुछ इलाकों में भी जारी रहेंगी, लेकिन पाबंदियों के साथ ही साथ सतर्कता भी बहुत जरूरी है। आप खुद का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना पर जंग हमें जीत हमें प्राप्त करनी है। फिलहाल इतना देखते रहिए।